स्वागत है सभी फैंटेसी प्लेयरों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम कवर करेंगे एलिमिनेटर फर्स्ट, या फिर कह सकते हो फर्स्ट एंड लास्ट कह सकते हो, एक ही होता है जिसके अंदर जो टीम हारती है वो गेम से बाहर हो जाती है, आईपीएल से बाहर, और जो टीम जीतेगी वो आपकी जीटी से, मतलब कि गुजरात कल का मैच हार गई थी तो गुजरात से उनकी फाइट होगी। दोस्तों तो पहले अपन आज सबके मुकाबले बात करेंगे कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट है ना, सारी बात करेंगे। टॉस बेनिफिट क्या है, सेम वेन्यू है, डिफरेंस क्या होगा, मतलब कि दोनों भाई एलएसी ने अपने होम ग्राउंड पे खेला है और वानखेड़े ने, मतलब कि एमआई ने अपने होम ग्राउंड वानखेड़े के अंदर खेला है। अब देखो दोस्तों जो एकाना का ग्राउंड है एलएसी का लखनऊ का, वो 90% मिलता जुलता है आपके चेन्नई वाली पिच से, लेकिन जो वानखेड़े का पिच है वो टोटली डिफरेंट है चेन्नई से, तो वो दिक्कत करेगा मुंबई इंडियंस को। एलएसी के लिए ये होम ग्राउंड जैसे मैच होने वाला है, लेकिन एमआई को दिक्कत करने वाला है। एमआई की वीकनेस की बात करेंगे, एलएसी की वीकनेस की बात करेंगे। कल बताया था कि भाई यदि जीटी को मुकाबला जीतना है ना तो अगेंस्ट सीएसके उनको लेफ्ट आर्म मीडियम प्लस लेग ब्रेक का अटैक कराना पड़ेगा। उनके पास यशदयाल था, लेकिन उन्होंने यशदयाल को बाहर बिठा के उन्होंने दर्शन नालकंडे को खिलाया था। मानते हैं अच्छे बॉलर है, लेकिन जिस टीम को पर्टिकुलर बॉलर से दिक्कत होती है, यदि कल यशदयाल खेलते तो मेरे हिसाब से आज कुछ और ही रिजल्ट हो सकता था, लेकिन वो देखो टीम मैनेजमेंट की सोच है। अपन की तो भाई प्रेडिक्शन करनी थी, अपन ने बता दी दोस्तों, है ना। तो हम कंटिन्यू करें, उससे पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो दोस्तों, कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करते तो आज मैंने शुरुआत ही टेलीग्राम चैनल से कर दी है दोस्तों। अभी है ना T20 ब्लास्ट के मैच आने वाले, जहाँ पे किसी प्लेयर के बारे में पता भी नहीं है। कई ऐसे प्लेयर है जिनका मतलब कि नाम जानते हैं, लेकिन वो आप ना स्टेट्स देखे मत आना, है ना। यहाँ पे अपन लॉजिकल टीम बनाएंगे भाई, 3 नंबर 2 नंबर ओपनर अच्छा करेगा तो क्या होगा, है ना भाई। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अच्छा करेगा तो ओपोनेंट के कौन सा बॉलर विकेट लेगा वो बात करेंगे, ना कि अपन ना एवरेज की बात करेंगे। यदि आप एवरेज देखोगे फर्स्ट इनिंग, मतलब विकेट देखोगे ना, सिर्फ देखो रिकॉर्ड्स में, स्टेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है दोस्तों, एक तो विनिंग रिकॉर्ड सबसे बेस्ट होता है, विनिंग रिकॉर्ड, और दूसरा होता है फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग। सबसे बेस्ट होता है विनिंग रिकॉर्ड, जिस प्लेयर का विनिंग रिकॉर्ड अच्छा है वो 90% है कि फैंटेसी में अच्छा खासा स्कोर करके देगा, 10% बाई बैड लक वो आउट हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो यदि आप स्टेट चेक करना चाहते हो ना तो आप वेन्यू रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, और T20 ब्लास्ट में वेन्यू रिकॉर्ड ऐड भी कर दूंगा ईच एंड एवरी प्लेयर जो कि मेरे हिसाब से खेलने वाले, है ना दोस्तों। तो अभी अपना टोटली फोकस होगा इस बचे हुए 3 मुकाबले के, आईपीएल के सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबले दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे देखो हमारे जज ने, मतलब कि फैंटेसी ऐप का नाम नहीं पता, लेकिन 847 पॉइंट से भी इनकी 4000 रनिंग हो गई थी। अब देखो दोस्तों मेरे भी 828 बने थे, लेकिन मेरे को मिला कितना, 100 रुपये मिला था, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कंपटीशन कम था, है ना। लॉजिकल टीम बनाने वाले प्लेयर कम थे, सेम सिस्टम था, माई टीम 11 फैंटेसी ऐप का नाम है यहाँ पे, देखो बता रहे हैं ना बैकग्राउंड में माई टीम 11, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ तो, और अभी तक इतने स्क्रीनशॉट आए हैं तो अभी तक मैं आपको जितने हैं उसको आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो 907 रैंक रही थी 800,000 स्पॉट में, है ना। देखो ड्रीम इलेवन में क्या होता है, टॉप 100 के पास में ही अच्छी खासी रैंक में, मतलब कि अर्निंग आती है, अमाउंट आती है, और अदर वाले के जो लगाते हैं ना उसका मतलब कि 3x 2x इतना आ जाता, मतलब कि आप 50 लगा रहे थे 100 आ जाएंगे, 100 लगा रहे थे 200 आ जाएंगे, बस और कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है। तो ये आते हैं अपन नोट्स के ऊपर। अब दोस्तों देखो सेम वेन्यू है और टीम डिफरेंट है, लखनऊ और मुंबई। अब देखो अपन इंडिपेंडेंस स्टार्ट कर देते हैं अपना, भाई पिच सपोर्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, तो मैं कह रहा हूँ कल भी कहा था कि स्लाइटली पिच कह रहा है सेकंड बैटिंग जीतेगी, लेकिन अब 8% टाइम जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो मुकाबला जीतेगी, क्योंकि पिच धीरे धीरे स्लो होगा दोस्तों, क्योंकि इस वेन्यू पे 8 मुकाबले हो चुके हैं। और देखो दोस्तों यदि किसी वेन्यू पे 8 मुकाबले होते ना, चाहे वो कोई सा भी वेन्यू, वहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी कन्फर्म है, तब आपको ना एक ऐसी टीम फाइंड करना है जिसको स्पिन से टोटली दिक्कत है कि भाई स्पिन के अगेंस्ट ये टीम अच्छा नहीं करती है, तो उन स्पिनर्स को आपको कैप्टन ट्राई करना है, और ओपोनेंट के जो बॉलर आपको वीकनेस मिले उसको वाइस कैप्टन ट्राई कर दो, और या फिर जिस टीम के स्पिनर को कैप्टन ट्राई करे हो ना उसी टीम के टॉप ऑर्डर बैट्समैन को आप वाइस कैप्टन ट्राई कर दो। मतलब कि वीडियो आगे बढ़ाएंगे, मैं आपको बता दूंगा मुंबई कौन सा बॉलर कैप्टन, कौन सा बैट्समैन वाइस कैप्टन आपको बनाना है दोस्तों, है ना। सेम एज लखनऊ की बात करेंगे, विकेट स्प्लिट 50-50% है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वीकनेस की, ये वीकनेस यदि आप जान सकते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखो मैं आपको बता रहा हूँ लेग ब्रेक, लेफ्ट आर्म मीडियम, ऑर्थोडॉक्स, लेकिन वीकनेस कब कम आएगी, यदि ये इनकी टीम हारेगी, यदि इनकी टीम जीत रही है तो इन 3 में से आपको 2 या फिर 1 बॉलर पिक करना है, है ना। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। देखो मुंबई की वीकनेस है लेग ब्रेक प्लस लेफ्ट आर्म प्लस ऑर्थोडॉक्स बॉलर। तो आपको पता है लेग ब्रेक कौन है,
लेग ब्रेक है आपका रवि बिश्नोई। लेफ्ट आर्म बॉलर कौन है? लेफ्ट आर्म बॉलर सिर्फ 4% सिलेक्शन मोहसिन खान, जनता इनको पिक नहीं कर रही है। लेकिन रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, देखो सूर्य कुमार यादव पेस को अच्छा खेलते, लेकिन रोहित शर्मा, ईशान किशन और कैमरन ग्रीन को थोड़ा बहुत मतलब ये 50% दिक्कत है लेफ्ट आर्म बॉलर से। और यदि LSC अब मोहसिन खान को खिलाती है तो ये बहुत ही डिफरेंशियल पिक बन सकती है। यदि आप देखो लेफ्ट आर्म मीडियम को पिक नहीं करें तो आप राइट आर्म मीडियम को पिक कर लो, वो वहाँ पे आपके यश ठाकुर है। लेकिन यश ठाकुर क्या होते हैं, वो डेथ ओवर के अंदर ज़्यादा बॉलिंग कराते हैं दोस्तों, बस इतना ही डिफरेंस है मोहसिन खान और यश ठाकुर के भीतर। यश ठाकुर एक प्योर डेथ बॉलर है और आपके मोहसिन खान प्योर पावर प्ले बॉलर है, तो सिंपल सा लॉसिक है दोस्तों, है ना। और ऑर्थोडॉक्स पता है आपको कुणाल पांडे, भाई कुणाल पांडे 4 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, प्लस कैप्टन तो टीम का है ही है, तो आपके फैंटेसी का कैप्टन होना चाहिए कुणाल पांड्या। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है और मुंबई के खिलाफ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बहुत बार कप्तान बन चुका है दोस्तों, है ना। जब मुंबई का मुकाबला चेन्नई से हुआ था, जडेजा कैप्टन, वाइस कप्तान जिनके रहने बने थे, है ना। मतलब मुंबई के खिलाफ ना लेग ब्रेक तो चलता ही चलता है, उससे अच्छा विकेट निकालता है एक ऑर्थोडॉक्स बॉलर। और आपको कुणाल पांडे 4 नंबर पर बैटिंग भी कर रहा है, प्लस 4 ओवर भी कर रहा है और ओपोनेंट की वीकनेस भी है, तो और प्लस आपकी जो स्पिन ट्रैक पिच भी है, मतलब सारे जो डायरेक्शन है ना वो कुणाल पांडे के पास में जा रहा है सिंगल कैप्टनसी के लिए। बाई बैट लेके वो नीचे ले तो बात अलग है दोस्तों, लेकिन अपन देखो कंडीशन को देखे, है ना, जो चीज़ अपन को लग रही है ना, सिचुएशन देख रहे हैं ना, उसके भी हिसाब से तो मैं बता रहा हूँ कुणाल पांडे आपके लिए डिफरेंशियल कैप्टन चॉइस बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं LSG की वीकनेस, भाई क्या कुणाल पांडे लगा रखे हो, मुंबई के दोस्त है, मुंबई के फैन है हम, तो मुंबई के बारे में बताओ भाई। तो भाई LSG की वीकनेस है लेफ्ट आर्म मीडियम प्लस लेग ब्रेक प्लस राइट आर्म मीडियम। तो लेफ्ट आर्म मीडियम कौन है, बेरेंड्रोफ जो कि पावर प्ले बॉलर है, और क्विन डिकॉक को लेफ्ट आर्म से दिक्कत है और बेरेंड्रोफ डिकॉक को आउट भी कर सकते दोस्तों, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। और उनके पास में लेग ब्रेक कौन है, पीयूष सोलल बेस्ट स्पिनर है दोस्तों, उनकी बात करना है क्या, है ना। और राइट आर्म मीडियम देखो, राइट आर्म मीडियम पास इनके पास में आकाश मधवा वाला, भाई क्या शानदार बॉलर है, प्योर डेथ बॉलर है, और पावर प्ले में यदि इनका प्रयोग करें ना ये भी अच्छा बॉलर है। तो देखो दोस्तों यदि पावर प्ले के अंदर बॉलिंग कराते हैं ना, तो जो ये बेरेंड्रोफ और आकाश मधवाल का जो कॉम्बिनेशन है ना, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है यदि लखनऊ को हराना है, यदि रोहित शर्मा को मुकाबला जीतना है ना, तो इन दोनों बॉलर का पावर प्ले के अंदर प्रयोग करना, ऐसा ना करें कि वो है ना जॉर्डन को पावर प्ले के अंदर बॉलिंग कराए। ये सबसे बड़ी फॉल्ट है मुंबई इंडियंस की या फिर कैप्टन रोहित शर्मा की, वो क्रिस जॉर्डन को पावर प्ले के अंदर क्यों प्रयोग करा रहे हैं दोस्तों, वो पावर प्ले के अंदर उसको सिंगल ओवर भी ना दो, है ना। कैमरन ग्रीन आपके पास में है, आकाश मधवाल है, एक स्पिनर से एक ओवर करा लो, स्पिन ट्रैक पिच है, तो ये चीज़ के साथ में MI जाएगी तभी चांसेस बनेंगे, अन्यथा वो भी GT की तरह MI आज मुकाबला हार जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब हम बात देखो वीकनेस की बात होगी, अब हम बात करते हैं लो सिलेक्शन प्लेयर जहाँ पे जनता फोकस नहीं कर रही है लेकिन आपको पिक करना है। बैटिंग सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है निखिल वधेरा और आपके पी मैनकिड। देखो पी मैनकिड है ना एक पिंच हिटर बैट्समैन है, इनकी स्ट्राइक रेट बहुत ही शानदार है, 150+ की स्ट्राइक रेट रहती है, तो ये दो बैट्समैन अच्छे हो सकते हैं। देखो निखिल वधेरा 4 या 5 नंबर बैटिंग करते हैं, लास्ट मैच में कैमरन ग्रीन को 1 डाउन पर शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन जो टीम ये फेर बदल करती है ना अप डाउन, वो टीम जीतने में मेरे को पसंद ही नहीं है दोस्तों। देखो क्यों, देखो आप लाइनअप में कुछ शो करते हो, हम उसके अकॉर्डिंग फैंटेसी टीम बनाते हैं, फिर आप दूसरे प्लेयर को प्रमोट कर देते हो, वो गलत चीज़ है। ऑलराउंडर में गौतम है तो मेरे हिसाब से ड्रॉप कर दो। और बॉलिंग सिस्टम से आकाश मधवाल और क्रिस जॉर्डन है, दोनों में से एक को पिक करना है। देखो अभी देखो दोस्तों मेरी बात ध्यान सुनो, क्रिस जॉर्डन कंटिन्यू फ्लॉप है, विकेट लेस है अभी तक, शायद तक एक विकेट लिया था लास्ट मुकाबले में, और विकेट लेस ही मानो ना, है ना। और आकाश मतलब कि 2 मैच में अच्छे खासे विकेट निकाल चुके हैं। अब देखो जनता है आकाश को भी पिक कर रही है लेकिन उनको ड्रॉप कर रही है अभी भी 8% टाइम, है ना। तो जॉर्डन को भी पिक कर सकते हो, जॉर्डन को पहले इनिंग में पिक करना, आकाश को दोनों इनिंग में आप ट्राई कर सकते हो। नवीन हक, यश ठाकुर, मोहसिन खान, इन 3 में से 2 को आपको ट्राई करना है दोस्तों, 3 बॉलर 2 बैट्समैन आपको पिक करना है, तो 5 प्लेयर आपको लो सिलेक्शन के पिक करने हैं दोस्तों, ठीक है। अपन बात करते हैं कैप्टन की, रोहित शर्मा, कुणाल पांड्या, बिश्नोई, पीयूष चावला, बेरेंड्रोफ, जितने भी वीकनेस हैं मैंने उनको कैप्टन बना दिया दोस्तों। और वाइस कैप्टन की बात करें तो डिकॉक, ईशान किशन, स्काई स्टोनिस, ग्रीन, यश ठाकुर, ये अपने वाइस कैप्टन रहेंगे दोस्तों, ठीक है। ये मुकाबला जो रिसेंटली इनके सामने हुआ था, शायद ये मुकाबला मेरे हिसाब से वानखेड़े के अंदर हुआ था, जहाँ पे स्टोनिस ने अच्छी खासी बैटिंग की थी और ईशान किशन ने भी अच्छी खासी बैटिंग की थी दोस्तों। आप देखो वीकनेस की मैंने बात करते हैं, लेफ्ट आर्म प्लस लेग ब्रेक पीयूष चावला प्लस बेरेंड्रोफ। और LSG की बात करें, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कुणाल पांड्या, हालांकि यहाँ पे इन्होंने रन स्कोर किया था। और रवि बिश्नोई लेग ब्रेक बॉलर, मोहसिन खान लेफ्ट आर्म बॉलर, यश ठाकुर राइट आर्म मीडियम बॉलर, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ थी, यहाँ पे देखो आपको मैंने दिखा भी दी है जो मतलब कि हो सकता है।
वो यहाँ पे बात करते हैं अपने क्रेडिट की। यदि आप देखो कॉमन क्रेडिट की टीम बना रहे हो तो आप 83 से लेके 86 के भीतर की टीम बनाओ। आप ऐसा मत सोचो कि रिस्क की टीम बन जाएगी दोस्तों, भाई रिस्क की टीम बनती है दोस्तों। हार्दिक पांड्या जैसे देखो, कल हार्दिक पांड्या ड्रॉप हो गए थे, है ना। यदि समय विकेट नहीं लेते तो समय ड्रॉप हो जाते। तो ये चीज़ है कि हाई सिलेक्शन प्लेयर ड्रॉप होते हैं दोस्तों, ये चीज़ मान के चलो। और यदि आप एमआई को स्लैम मतलब कि सिर्फ एमआई को फेवर करते हो, आप 86 की टीम बना लो और एलएससी के लिए 83 की टीम बना लो। कॉम्बिनेशन में बात करें 1415 एमआई के लिए, 2324 एलएससी के लिए दोस्तों। अब आते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे और टीम क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए अपने सॉफ्टवेयर पे। अभी अपन यहाँ पे मैच को सेव कर लेते हैं और जो प्लेयर लास्ट मुकाबले में खेल लेते हैं अपन उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। भाई विकेट कीपर में सबसे तीनों के तीनों बेस्ट है दोस्तों, ना आपको पता है ईशान किशन और निकलस पुरन डीकॉक तीनों लेफ्ट हैंड बैट्समैन है दोस्तों। ये भी लॉजिकल क्या बात है, तीनों के तीनों लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। क्यों कुणाल पांड्या या आसिफ पीयूष चावला, बिश्नोई बेरेंट ऑफ जॉर्डन आपके, नवीन उलहक आकाश मधवाल और कुमार कार्तिक मोहसिन खान और यहाँ से लगे आपको कृष्ण गौतम, ठीक है। और यहाँ पे अपन एडवांस सेक्शन का प्रयोग करेंगे। मैंने स्मार्ट सेक्शन और ग्रैंडली सेक्शन पहले से आपको बता दिया है मैंने, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अभी कोई प्लेयर अपना फिक्स नहीं है, जिस टीम का फेवर करियो उस टीम के आप, जैसे कि ईशान किशन वाली टीम को फेवर करो ना, ईशान किशन रोहित शर्मा और यहाँ पे बेरेंडोफ और पीयूष चावला, इन चार बॉलर को आप फिक्स कर लो, चार प्लेयर को, है ना। और यदि आप एलएससी को फेवर करिए तो यहाँ पे डीकॉक हो गए, कुणाल पांड्या हो गए, स्टोनिस को फिक्स मत करो, रवि बिश्नोई हो गए और यहाँ पे नवीन लोग या फिर मोहसिन खान, जो आपकी चॉइस लगे उनको आप फिक्स कर सकते हो। लास्ट मैच में यश ठाकुर आपके इम्पैक्ट प्लेयर खेले थे ना, इसलिए वो अभी आपको प्लेइंग 11 के अंदर शो नहीं हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं अपने कैप्टन की, तो रोहित शर्मा रहेंगे और यहाँ पे रहेंगे कुणाल पांड्या और पीयूष चावला, बिश्नोई, बेरेंडोफ, ये अपने कैप्टन रहेंगे। और वाइस कैप्टन की बात करें तो वाइस कैप्टन अपने दो कीपर है, ईशान किशन, डीकॉक और सूर्य कुमार यादव। देखो सूर्य कुमार यादव को लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत है, ओपोनेंट में कुणाल पांड्या है, तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। आप ऐसा मत करना कुणाल पांड्या कैप्टन, वाइस कैप्टन सूर्य कुमार यादव, है ना, ऐसा कभी ट्राई करना दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे हो गए आपके यश ठाकुर, निक मतलब यश ठाकुर लास्ट मैच में इंपैक्ट प्लेयर गए थे, तो मैं यहाँ पे नवीन उलहक को पिक कर रहा हूँ और या फिर मोहसिन खान को आप कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। पहले अपन मुंबई के फेवर बना लेते हैं 6574, यहाँ पे भी 6-5 लेके चलेंगे। मुंबई की बात करें तो 83-86 की बात करें ना, तो 83-86 की आपको टीम बनानी है। और यहाँ से देखो कॉम्बिनेशन अपने थे 1415-2324, नंबर ऑफ टीम यहाँ पे अपन 10 टीम बनाएंगे जो कि टोटली फेवर होगी आपकी मुंबई इंडियंस के भीतर, है ना। आप देखो इस बेरेंडोफ कैप्टन, वाइस कैप्टन ईशान किशन, अब ये की ये टीम में रखो। अब इसके अंदर बदलाव क्या करना है, निखिल भदौरिया की जगह आपको रोहित शर्मा को पिक करना है, आयुष भदौरिया को ड्रॉप कर दो और डीकॉक को ड्रॉप कर दो, यहाँ पे लो सिलेक्शन प्लेयर को पिक कर लो दोस्तों, ना एक दो प्लेयर ऐसे रोटेट करोगे ना आपकी टीम बन जाएगी दोस्तों, ठीक है। और आप सिंगल सीवीसी रखो, जैसे कि आज के मुकाबले कुणाल पांड्या हो गए, मुंबई की तरफ से आपके कैमरून ग्रीन हो गए, ये सिंगल सीवीसी बन सकते हैं दोस्तों। और उन वीसी को रोटेट करो, कॉम्बिनेशन को रोटेट करो, आपकी टीम बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बनाते हैं लखनऊ के भीतर टीम, यहाँ पे देखो 1415 और 2324, नंबर ऑफ टीम 10 टीम जो कि आपकी एलएसजी के फेवर में होगी दोस्तों। देखो सारे सारे आपके एलएसजी के फेवर में है, ज़्यादा प्लेयर आपको एलएसजी के मिलेंगे कंपेयर टू एमआई, तो ये सारी सारी टीम आपको मैं शो करता हूँ। ये बेस्ट टीम है, कुणाल पांड्या कैप्टन, वाइस कैप्टन आपके क्विन डीकॉक, पीयूष चावला कैप्टन, वाइस कैप्टन ईशान किशन। अब देखो इस टीम के अंदर आपको क्या करना है, जो देखो जो पी मेन किट है करण शर्मा है, तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है निकलस पुरन की जगह आपको डिको को पिक कर लेना है और ये की ये टीम आपको रखनी है दोस्तों, है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और वीकनेस जो मैंने बताई है उनको जरूर ट्राई करना दोस्तों, आपकी टीम बन जाएगी। इस मोहल्ले के अंदर भी आप ट्राई कर लिया करो, जो आपके जो जो मतलब कि दिमाग में रहता है कौन से बॉलर को ड्रॉप करूँ, तो उसके हिसाब से आप बॉलर को ड्रॉप कर देना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं क्वालिफायर सेकंड में। जय हिंद, जय भारत।